पयोवर्त किसे कहते हैं भैया? पय का मतलब होता है दूध। पय शब्द वेदवाणी है। पयः पृथ्वीयाम्। पृथ्वी शब्द का सूचक क्या है? गौ माता। मंत्र का अर्थ समझिएगा। पयः पृथ्वी पयः ओपदेशु। पयः पृथ्वी अर्थात आपने अक्सर देखा है पृथ्वी माता गौ का ही रूप धारण करके गई। जब भी पृथ्वी पर दुख आया पहले गौ बनी फिर गई। वैसे ही पय अर्थात दूध किसके बोले? गौ। गौ का दूध पी करके व्रत किया जाए उनको हम पयो व्रत कहते हैं। गौ का दूध कब करना चाहिए व्रत को? जिनके संतान नहीं है या जिनको गुणवान और सुंदर पुत्र की कामना हो इनको इस व्रत को करना चाहिए। कब करना चाहिए? फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर के द्वादशी तिथि तक। फाल्गुना श्यामला पक्षे द्वादशहम पयोव्रत। द्वादशी तिथि तक व्रत करना केवल दूध पी कर। हाँ, एक और विशेष बात आप सबसे कहूं। एकादशी का भी नियम मूल अगर नियम में हम अगर जाएंगे एकादशी करने का तो भूमि का उपजा हुआ कोई भी वस्तु स्वीकार नहीं करनी चाहिए एकादशी में। पृथ्वी का उपजा हुआ हम लोग जो सिंघाड़े तिखुर इस सारी चीजें जो स्वीकार करते केवल गाय का दूध पीकर के व्रत करना चाहिए। शक्कर भी नहीं क्योंकि गन्ने से शक्कर बनता है और गन्ना पृथ्वी से ही तो निकलता है ना। केवल दूध पीकर केवल दूध पीकर के व्रत करें और सभी व्रतों का विशेष फल मिलेगा अगर केवल दूध पीकर के आप व्रत कर रहे हैं तो। हर व्रत कई लोग नवरात्र करते हैं है ना? अभी नवरात्र गया कि नहीं? केवल दूध पीकर केवल दूध पृथ्वी का उपजा हुआ कुछ भी नहीं लेंगे अर्थात पृथ्वी का ऋण भी नहीं होता जीवन में जब हम धर्म सत्कर्म करते हैं तो। हाँ, गौ माता के ऋण से कोई ऋण नहीं हो सकता। इसलिए भगवान को गोपाल कहते हैं। गौ की सेवा भगवान करते हैं। दूध पी कर के व्रत करें। कोई अगर पूछे ना आपसे कि व्रत में क्या लेना चाहिए क्या स्वीकार करना चाहिए तो मैं तो सदैव कहूंगा भैया दूध पी कर के। दूध और भगवान की कथा भी श्रवण करें ना तो व्रत करके श्रवण करना चाहिए। कईयों का नियम होता है कभी कभी केवल आयोजक ही व्रत नहीं करते परीक्षित के आसन पर बैठने वाले ही व्रत नहीं करते। देवांगन जी और आप दोनों ही व्रत नहीं होंगे। अगर कथा का फल अगर हमें चाहिए तो व्रत करना चाहिए। कई गांव में परंपरा होती है। हाँ, एक गांव है शिवरी नारायण के पास गांव था डुडुमगढ़। गांव का नाम है बिलाईगढ़ के पास है वो गांव। तो वहां 6-7 लोग ऐसे रहते थे जो निरंतर व्रत करते थे। गांव के लोग निरंतर व्रत करते। जब से कथा शुरू हुई थी ना तब से उस परिवार में भी व्रत प्रारंभ हो चुका था। हाँ, केवल परीक्षित ही व्रत नहीं करते थे श्रोता भी व्रत करते थे। वहां व्रत रह करके निराहार रह करके सबसे पहली पद्धति निराहार रहना। कुछ भी स्वीकार मत करो जल पी करके क्योंकि जल को आहार नहीं माना जाता निराहार। अगर निराहार नहीं रह पा रहे हैं तो फिर फलाहार करिए। फल से आप व्रत करिए। अगर उससे भी नहीं हो पा रहा है तो फुलाहार करिए खूब खाइए। हाँ, लेकिन मन भगवान के चरणों में। और खाना कितना है? खाना उतना है कि यहाँ आकर के कुंभकर्ण की पत्नी को आमंत्रण मत करने लग जाना निद्रा देवी को। हाँ, नहीं तो बैठते ही मुंह खुल रहा है।
लोग बैठते भी रहते हैं, कथा में भी लोग खूब सोते हैं, खूब निंदाते हैं, किसी की आंख ऐसे छोटी हो जाए, जयकारा लगाना चाहिए। धीरे 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 करके एक जगह कथा हो रही थी, एक माताजी कथा में आई हुई थी, हमारे शिष्य भुवनेश्वर जंगेल जी वो बता रहे थे कि गुरुजी वो माताजी आई हुई थी, सामने बैठी थी कथा में, सामने एक लोहे का खंभा लगा हुआ था, ऐसी सोई कि गिरी खंभे में ऐसे, और कृपा मिल गई इतनी बड़ा, सूझ गया, फिर वो छह दिन तक सोई नहीं हुई, सोना नहीं चाहिए कथा।